बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 19.1 पार्ट नंबर 13 का दूसरा क्वेश्चन है, बी प्लस सी इंटू ए इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए। बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स और सी की जगह पर सी वाला मैट्रिक्स, ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स वेरीफाई करना है कि बोथ साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिस्टेक है। आप सबसे पहले बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स रखें। बी का मैट्रिक्स है 2-1, 0, 3-1, 2 और सी की जगह पर सी मैट्रिक्स रखते हैं। सी मैट्रिक्स है 1-1, 2, -2, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज। और ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स रखें 3-1 और -1, 2 बराबर में। बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स रखें 2-1, 0, 3-1, 2 ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स 3-1, -1, 2। देखें राइट हैंड साइड में बी और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अभी भी सी और ए की वैल्यू रखनी है, उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं। आपको यहीं पर बता दूं कि ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है। ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई की कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ की कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक की रोज़ की तादाद, फर्स्ट मैट्रिक के रोज़ की कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो आप काउंट करें, फर्स्ट मैट्रिक के जो कॉलम है वो है 3 और दूसरे जो मैट्रिक्स ए है उसके रोज़ कितने हैं, 2 है। 3 is not equal to 2 तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो इस सवाल में मिस्टेक ही सवाल हो ही नहीं सकता। तो आप लिखेंगे इम्पॉसिबल क्वेश्चन, ये सवाल ही पॉसिबल नहीं है कि वेरीफाई हो जाए। वेरीफाई तो दूर की बात, सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ए बराबर है इस मैट्रिक्स के, बी बराबर इस मैट्रिक्स के, सी बराबर इसके, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या वेरीफाई करना है? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ए और बी को प्लस करना है, बी और ए को प्लस करना है। ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स, बी की जगह पर बी मैट्रिक्स। ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स 6-5-2-4-6-3-0-1-7 बीच में प्लस की साइन। बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स 6-8-0-5-1-2-3-6-4 इक्वल की निशानी। बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है 6-8-0-5-1-2-3-6-4 प्लस की साइन। ए की जगह पर ए मैट्रिक्स 6-5-2-4-6-3-0-1-7 दो मैट्रिसेस एडिशन की कंडीशन है कि करस्पोंडिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे। 6 के साथ 6 प्लस होगा, 5 के साथ 8 प्लस होगा, 2 के साथ 0। तो 6 प्लस 6 कितने होंगे, 12। 5 के साथ 1 2 प्लस करें 13 होंगे, 2 प्लस 0 2 होगा। 4 के साथ 5 को प्लस करें 9 होंगे, 6 + 1 7 हो जाएंगे, 3 + 2 5। 0 + 3 3 ही होगा, 1 + 6 7 हो जाएंगे, 7 + 4 11। यह है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड प्लस हो रहा है, प्लस की कंडीशन वही, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे। फर्स्ट के साथ फर्स्ट प्लस होगा, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। 6 को 6 से प्लस करें 12 हो जाएंगे, 8 + 5 13 होंगे, 0 + 2 2 होगा। 5 + 4 9 हो जाएंगे, 1 + 6 7 हो जाएंगे, 2 + 3 5 और 3 + 0 3 6 + 1 7 4 + 7 11। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर है तो हम कहेंगे वेरीफाइड। इसी पार्ट का दूसरा सवाल है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस सी बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स रखेंगे। ए मैट्रिक्स कहाँ है? ए मैट्रिक्स, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स रखें 6-5-2-4-6-3-0-1-7 प्लस की साइन। बी की जगह पर बी मैट्रिक्स 6-8-0-5-1-2-3-6-4 ब्रैकेट क्लोज। और सी की जगह पर सी मैट्रिक्स 1-2-3-1-2-3-1-2-3 बराबर की निशानी। ए की जगह पर ए मैट्रिक्स रखेंगे 6-5-2
4 6 3 0 1 7। प्लस की साइन बी की जगह पर बी मैट्रिक्स 6 8 0 5 1 2 3 6 4 ब्रैकेट क्लोज, और सी की जगह पर सी मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे। 6 के साथ 6 को प्लस करें 12 हो जाएंगे, 5 के साथ 8 प्लस करें 13, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 5 9 हो जाएंगे, 6 प्लस 1 7 होंगे, 3 प्लस 2 प्लस करें 5 होंगे, 0 प्लस 3 3 हो जाएंगे, और 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11। और उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो सेम रखें फ़िलहाल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगेन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, 12 के साथ 1 प्लस होगा, 12 प्लस 1 कितने होंगे 13, 13 प्लस 2 15 हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5, 9 प्लस 1 10 हो जाएंगे, 7 प्लस 2 9 होंगे, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 1 4 हो जाएंगे, 7 प्लस 2 9 होंगे, 11 प्लस 3 14। ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले बी और सी को प्लस करेंगे, उसके बाद उसके साथ ए को प्लस करें। जिसको प्लस नहीं करना फ़िलहाल उसको एज इट इज़ सेम नीचे उतार दें, उसके बाद उसके आंसर से इसको प्लस करना है। 6 प्लस 1 7 होंगे, 8 प्लस 2 10 हो जाएंगे, 0 प्लस 3 3 होगा, 5 प्लस 1 6 होंगे, 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 3 5 होंगे, 3 प्लस 1 4, 6 प्लस 2 8 और 4 प्लस 3 7। अब इन दोनों को प्लस करें, 6 प्लस 7 13 हो जाएंगे और 5 प्लस 10 15, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 3 9 होंगे, 3 प्लस 5 8 हो जाएंगे, 0 प्लस 4 4 ही होगा, 1 प्लस 8 9 होंगे, 7 प्लस 7 14। ये है राइट हैंड साइड। आप देखें लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम है, कहेंगे वेरीफाइड।